सो जी दोपहर के 1 बज रहे हैं और बाहर मौसम देखो, मौसम कह रहा हूँ भाई, बारिश ही हो रही है, सुबह से ही हो रही है। और आज मेरे को जाना था रायकोट, लेकिन लग नहीं रहा इस मौसम में जाता हूँ, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है। और रायकोट में भी इतनी तगड़ी बारिश हो रही है ना, तो मैं करीब 12-13 घंटे से लगातार वहाँ पर भी बारिश ही हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। तो देखते हैं 1 घंटा और वेट करता हूँ, 2 बजे तक आसमान क्लियर होता तो निकलेंगे, अदरवाइज़ इसमें तो मुश्किल ही है, कल ही जाना पड़ेगा। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या बन रहा है किचन के अंदर? छोटी प्लेटें होंगे अंदर, होएंगी वो तो। बड़ी ले लो ना, सीधा बड़ी ले लो, छोटी प्लेटें। हम जाने वाले थे, हम नहीं, मैं जाने वाला था रायकोट, लेकिन बारिश की वजह से इतनी ज्यादा हुई तो सारा प्लान ही कैंसिल हो गया था, क्योंकि बारिश रुकी नहीं। बारिश तो बहुत से ज्यादा हुई, 5 बजे के बाद रुकी है सारी बारिश। हाँ, और हमारे सोसाइटी में पूरा पानी वगैरह भर गया था, क्योंकि बारिश की शिकायत दूर हो गई। तो बस अभी एक बार हो तो गई फाइनली, नहीं तो हो ही नहीं रही थी इतने टाइम से। बारिश आ रही थी 10-10 मिनट के लिए, जा रही थी बस। रायकोट में भी मम्मी बोल रही थी बहुत बारिश हुई उधर। अच्छे लगा, मेरे को सुनाया था पहले कि 10-12 घंटे हो गई उधर। हाँ, दो घंटे हुई अपनी तो यहाँ पे, शाम तक चली है ना जयपुर में तो, है ना। चंडीगढ़ भी डूब गया पूरा, वीडियोस में देखा मैंने, पूरी अच्छे से बारिश होगी। 1 बज रहे हैं, पैकिंग पूरी कर लिया, खाना पुना खा रहे हैं, निकलते हैं ना। बाकी थोड़ी बहुत सब्जियां बची हुई है फ्रिज वगैरह में, सारी भी लेके जा रहा हूँ। सारी उसी के अंदर डालनी है तुम्हारे ऑर्गेनाइजर में? पहले में ही डाल दूँ ना। सो ये देखो जी, सिद्धे के बर्थडे का जो हैम्पर था, हमने उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, बॉक्स बना लिया इसको अपने, मेरे यहाँ इसमें सारा सामान डाल लिया मैंने, जैसे ये ऑयल सर का, ये कोकोनट ऑयल और बादाम ऑयल, ये एलोवेरा, ये एक सीरम है, और ये वो पाउडर है ब्रिंगराज पाउडर। तो बस ये तो ऐसे ही रहेगा, बेस्ट है यार ये, और अच्छे सॉलिड है, वो गिरने गुरने का डर भी नहीं है इसका। अभी तो इसको ऐसे ही वो कर लो, बाद में तुम्हारा मेकअप बॉक्स बनेगा, आने जाने के लिए। हाँ, आराम से तुम्हारा सामान तो आ गया, क्योंकि कांच का भी प्रोटेक्शन भी मिल गया, अंदर भूसा भी था, वो भी नहीं फेंका था, डब्बा संभाल के रखा था कि यूज हो जाए यार, मेकअप वेकअप डालूंगी मैं, मैंने ये सोचा था। चलो वो बड़ा कर दो यार, सब्जियां वगैरह डाल दो झोले में, ये पड़ा है डी मार्ट का देखो बगल में। तो जी सामान सारा पैक हो गया, मेरा यहाँ तक केले का इतना सामान हो गया ना, एक बैग बोरा, ये सब्जियां वगैरह का थैला, ये हैम्पर बना दिया, कुछ चीज़ें इसमें पड़ी हैं बैग, मतलब एक चार चीज़ें तो आज मेरी है कंचन के बिना। ये कंचन का सूटकेस है इस भरी। चलो सामान वगैरह हम लोग रखते हैं अभी बाहर, ये पंखा बंद कर दूँ, निकलते हैं, गर्मी लगने लग गई। सो यहाँ पे पाइपलाइन की रीडिंग लेते थे, क्योंकि मंगवाते हैं वो, उनको रीडिंग चाहिए रहती है, पीछे से आएंगे, उनको मैसेज आया हुआ था कि भेजी रिपोर्ट लॉक कर दो इसको, चले। हाँ सब कुछ हो गया, लेट्स गो। गर्मी लगेगी ना एकदम से, वर्क करते हो, पतले लग रहे हो, फिट लग रहे हो, फिट थोड़े और कंचन इस बार साथ नहीं जा रही है, अकेला जा रहा हूँ मैं, कंचन जा रही है अपने घर, भाई है ऑब्वियसली रक्षाबंधन है तो। हाँ, छुट्टियाँ मनाने जा रही हूँ मैंने कुछ दिन के लिए ना। हाँ, इस बार कंचन के घर में रक्षाबंधन मनाई करेगी, सेलिब्रेट। और मैं इधर सारे हेयर देख रहे, कैसे कर लिए हो गए यार, हेयर वॉश का कोई फायदा नहीं होता है, सारे के सारे कर्ली हो जाते हैं। ऐसे लग रहा है कि मैंने ऑयल लगाया, बट लगाया नहीं, क्योंकि अभी मैंने कॉम नहीं करी ना, क्योंकि गीले बाल है ना, फिर टूट जाएंगे। तो चलो फिर मिलेंगे हम लोग 1-2 महीने बाद। इसमें महंगा सामान है, इसको आराम से लेकर आऊंगे, यही लेकर आऊंगे ना गाड़ी इधर। तुम्हारा ना सैलेड जो है ना, सुनो तुम्हारा जो सैलेड है ना, वो निकालना है, पिट्ठू के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वो कांच का था इसलिए मैंने इसको बैग में डाल दिया था। ओए ओए ओए, ऊपर जा रही थी, गाड़ी लेकर आता हूं। ओके, इस बार ना मेरा सामान तो कम है,
ठीक है, मेरा तो सिर्फ यही एक ही बैग है और एक वो आई थिंक वो थैला मेरे वाला है, ये राजवीर का ही है सारा, इस पर उसके अंदर ही हीरा उसमें है। बार की तरह इस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ भूल गए हैं और इस पर भूले हैं राजवीर के चश्मे, शेड, स्पेक्स। तो अभी लेने के लिए जा रही हूँ ऊपर। ना कुछ ना भूले ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे साथ हर बार ऐसे ही होता है। यहाँ पे तो है ही नहीं स्पेक्स, राजवीर ने डाल ली होंगे। सो स्पेक्स तो मुझे मिले नहीं, आई थिंक बैग के अंदर ही है, राजवीर ने डाले होंगे। तो राजवीर को मैंने फोन करके पूछा चेक करे, फिर देखते हैं यार, पता नहीं टेबल पर ही थे। पूछती मिले नहीं मिले, मिले क्या? तुम नहीं रखे थे पिटनू में काले वाले में? हाँ मैंने ही रखे थे, मुझे याद ही नहीं यार। तुमने अपने वो निकाले सैलेंड निकाले, वो अंदर फिर वो हो जाएगा, उसको निकाल के थोड़ा साइड पर चलो। हाँ चलो जी निकलते हैं। बहुत रह लोगे? रहेंगे रह लोगे मेरे बिना? ऐसी छुट्टियाँ भी जरूरी होती है, छुट्टियाँ जरूरी होती है कितने, एक साल में एक बार, एक साल में एक ही बार तो है, ज्यादा दिन के लिए तभी जाती हूँ, तभी जाती हूँ, अदरवाइज तो कहाँ गई, अदरवाइज तो मिलने जाती हूँ। मिस मत करना ज्यादा मुझे, ठीक है? छुट्टियाँ हैं ये तुम्हारी, हॉलीडेज एंजॉय करना। सामान हाँ वो एक, एक वो थैला है, वो कहाँ है? हाँ अपना अपनी सैलेंड निकाल के रख लो, क्योंकि वो उसमें है ना, वो दूसरा सामान है, गीला ना हो जाए, डर ही है। घर वालों को बुलाया, अभी तक आए नहीं है। चलो बाय अभी, ये लोगों ने आने में पता नहीं इतनी देर कैसे लगा दी। वो देखो आगे आगे आगे, ये आगे इतनी देर लगा दी तुमने, मैं क्या पता नहीं क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग हैं? वेलकम सिस्टर, वेलकम। लो जी कंजन कर दिया ड्रॉप, कुछ दिन अलग अलग हम छुट्टियां मनाएंगे अपने अपने घर पे रक्षाबंधन के उपलक्ष में। तो वैसे भी निकलते ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, 5 ही बजेंगे, 4:30-5 के बाद आराम से जाएंगे अपन। और क्या बात है, अंदर ही कर देना है ना। दो बजे तुर हाँ, मैं तो 2.5 घंटे की पहुंच जाना। हाँ साइकिल भी हावा हटावा कुछ नहीं। लो जी आप पहुंच गए जी घर, है ना, रेस्ट करेंगे। बट एक चीज देखी मैं, देख के इन्नी ज्यादा सोहनी लग रही है, दिखाऊंगा पूरा फ्लावर भरिया पिया पूरा शुरू तो लेके इतने तक, ऐदा लग रहा जिम्मे गुलदस्ता ही होंगे कोई, इतने तक आया हुआ देखो थले तक, बहुत सोहना लग रहा।